हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जे आर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन है उसको पढ़ रहे थे। उसके हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको मास और वेट के बारे में बताऊंगी। जब आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होगे, तब आप मास और वेट को बिल्कुल सेम तरह से यूज कर लेते होगे। अगर आपको जरूरत पड़ता होगा वेट बोलने का, तो आप वहां पर मास भी बोल देते होगे, और अगर आप मास बोलना होगा तो आप वेट भी बोल देते होगे। आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम। वैसे तो अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी बोलना चाहते हो कि ये इतने वेट का है या फिर ये इतने मास का है, तो वहां पर एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिजिक्स में वेट अलग होता है और मास अलग होता है। तो एग्जैक्टली ये दोनों होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते होगे या फिर अगर आप वेइंग मशीन को देखे होगे, तो वहां पर जो वेट होता है वो केजी में मेजर होता है। जब आप उस पर खड़े होगे तो वहां पर लिखा जाएगा कि आप 40 किलो के हो या फिर आप कितने को, आपको वहां पर बता दिया जाएगा। तो वो मशीन एग्जैक्टली क्या मेजर करता है? क्या वो मास मेजर करता है या फिर वो वेट मेजर करता है? तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझने लगेंगे। नाउ, जैसे कि अगर आप ओल्डन डेज में देखते होगे, हमारे पास दो बटखारे होते हैं और उस बटखारे को हम लोग एक साइड रख लेते हैं। उस बटखारे पे लिखा हुआ होता है कि वो 100 ग्राम का है या फिर 500 ग्राम का है या फिर 25 का है या फिर 1 किलो का है। वहां पर हम लोग पहले ही उसको लिख देते हैं, एंड देन हम लोग दूसरे तरफ जो भी क्वांटिटी होता है, जिसको भी हम लोग मेजर करना चाहते हैं, उसको रख देते हैं। तो हम लोग के पास एक बैलेंस होता है, उसी के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि वो कितने मास का है। नाउ, आप लोग गोल्ड को भी मेजर करते हुए देखे होंगे। उन लोग के पास काफी एक ऐसे शीशे का जार होता है, उसमें एक वेइंग मशीन होती है जो कि गोल्ड को मेजर करती है। नाउ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो वेइंग मशीन या फिर ये बैलेंस क्या मेजर करती है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको मास और वेट का डेफिनेशन बता देती हूँ। मास क्या होता है? तो मास होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। लाइक आपके पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी मैटर होगा, जैसे कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप सब कुछ को मेजर करते हो एंड देन फिर आप बताते हो कि कितना इसके अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो आप जनरली इसके लिए मोल का यूज करोगे। तो इस रिजिड फिगर के अंदर कितना मास है आप बता दोगे। नाउ, जितना भी क्वांटिटी होता है एक मैटर के अंदर, उसको हम लोग मास बोलते हैं। जबकि वेट होता है, ये एक तरह का फोर्स होता है और इट इज एग्जर्टेड बाय एन अर्थ। टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जो हमारा अर्थ होता है, आपको ही पता है, वो ग्रेविटेशनल पुल करता है। दैट मीन्स कि वो ग्रेविटी अप्लाई करता है और जिसके कारण बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। वो एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। नाउ, वो जो फोर्स अप्लाई करता है, उसको आप एक नए टर्म से भी बता सकते हो जो कि वेट है। आप या तो वेट बोल लो या तो फिर आप उसकी जगह पर ग्रेविटेशनल पुल बोल लो। और ग्रेविटेशनल पुल आपको ही पता है, पुल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फोर्स का टर्म यूज किया गया, मतलब कि वो फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल पुल जैसे वर्ड का आप यूज सिर्फ साइंटिफिक लोगों के सामने कर सकते हो, जैसे कि जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल लोगों के साथ रहते हो, तो आप यहाँ पर वेट का यूज करते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारे लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ये वो उन्हें नहीं मालूम होता है, तो आप उनकी जगह पर वेट यूज करते हो। तो वेट एक्चुअली क्या है? तो वेट एक तरह का फोर्स है जो कि हमारे ऊपर अर्थ लगाती है। और अर्थ किस डायरेक्शन में लगाती है? तो ये हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स लगाती है। तो अर्थ का जो सेंटर है, लेट्स से ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो सेंटर होगा उसके टूवर्ड्स जितनी भी चीजें होंगी अर्थ के सर्फेस पे, वो चाहेगी उसको अपनी तरफ खींच ले। अगर लेट्स से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उसको इस डायरेक्शन में खींच रही होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वो ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचेंगी। नाउ, यहाँ तक आपको मास और वेट में डिफरेंस पता चल गया। अब मैं इसको एक एक करके आपको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले मास को डिफाइन करती हूँ। तो मास का डेफिनेशन होता है द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट कंटेन्ड इन इट। नाउ, आपको ही पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने जब मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, जब आप 6th 7th में होंगे, तो वहां पर आपको ये पता है जो 7 फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटी थी, उसमें मास भी था। तो मास को हम लोग केजी में
मेजर करते हैं, और इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है ये किसी भी डायरेक्शन पर या फिर किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस भी नहीं होती और ना ही किसी और चीज़ पर डिपेंड होती है। आपको किसी को मास बताना होता तो आप ये नहीं बताते हो 7 kg या फिर 8 kg नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को पोसेस करती है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स किसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए ये चीजें लिख दी हैं। वैसे तो आपको पता है कि जब वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप 4 kg 5 kg 100 kg कितना भी लिख दो, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। नाउ इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है kg, इसका CGS यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम। नाउ ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करती, अगर आप पोल पे चले जाओ या फिर आप इक्वेटर पे रहो या तो फिर आप मार्स पे चले जाओ या फिर मून पे चले जाओ, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो अगर हमारे यहाँ दैट मीन्स कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो उनका जो मास होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, अगर वो यहाँ पर 40 kg के होंगे तो ऐसा नहीं है कि उनका वेट बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो आपको ही पता है जो मास होता है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। सो आई होप मास आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं इसी तरह से आपको वेट भी समझाने की कोशिश करती हूँ। नाउ वेट, वेट क्या होता है, तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक तरह का फोर्स है, तो ये फोर्स है तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ जैसा कि आपको पता है फोर्स का अपने फॉर्मूला याद रखा होगा, जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आपको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो आप उसके मास और एक्सेलरेशन को इनटू करते हो तो आपको वहां पर फोर्स का वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेट है, और वेट आपको पता है जैसे कि वो एक ग्रेविटेशनल पुल है, दैट मीन्स कि वहां पर आप ए नहीं लिखकर वहां पर आप जी लिखोगे, क्योंकि जी आपको ही पता है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग लिखना होता है तो वहां पर हम लोग स्मॉल जी का यूज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए नहीं लिख के स्मॉल जी को लिखेंगे। नाउ यहाँ पर आपको वेट का फॉर्मूला लिखना होगा, तो आप वेट को जैसे कि आप फोर्स लिखते हो तो वैसे यहाँ बिल्कुल फोर्स को वेट लिख दो, एंड मास तो मास ही होगा, एंड देन ए के जगह पर आप जी लिख दो। तो ये हमारा वेट का फॉर्मूला हो गया, और आपको अगर वेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आप यहाँ पर एम जी लिख सकते हो। नाउ वेट आपको पता है जैसे कि यहाँ पर मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो जी है वो तो एक तरह का एक्सेलरेशन, और जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर जो जी है उसकी वजह से जो हमारा वेट है वो वेट फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इस वेक्टर क्वांटिटी जो कि वेट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब आप फोर्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, या तो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होता था या तो फिर फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होता था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ग्रेविटेशन का टर्म पढ़ रहे हैं तो वहां पर फोर्स या तो अपवर्ड लगेगा, आप वॉल को ऊपर फेंक दो फोर्स लगा के, या तो फिर बॉल नीचे आएगी ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर आपको वेट फोर्स जो है उसका डेफिनेशन ही आपको दिख रहा होगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है, तो दैट मीन्स ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन के यहाँ पर डाउनवर्ड होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट का डायरेक्शन भी होगा वो डाउनवर्ड होगा, दैट मीन्स कि जो हमारा वेट फोर्स है वो भी डाउनवर्ड लगता है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आ गई होगी, और वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे ये भी पता है। नाउ यहाँ पर जो हमारा वेट है उसका SI यूनिट होता है न्यूटन। मैं जानती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि न्यूटन लिखने का कारण ये है कि वेट हमारा एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, वेट इज अ फोर्स, तो जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट फोर्स है उसका SI यूनिट न्यूटन होता है। नाउ वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट, आपको जैसे पता है जो मास होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता,
ये हमेशा डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, डिफर प्लेस टू प्लेस। तो लेट्स से अगर आप पोल पे चले जाओगे, जैसे कि आपके पास अगर 1 किलो सोना है और आप उस सोने को वेट करते हो और उसके बाद फिर उसको पोल पे लेके जाते हो, तो आपको भी पता चलेगा जो 1 किलो सोना है उसका वेट बढ़ के हो सकता है 1 किलो 200 ग्राम हो जाए। अगर आप उसी को इक्वेटर पे लेके आ जाओगे तो वेट उसका कम जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमारा मास होता है गोल्ड का वो तो फिक्स होता है, लेकिन आपको ही पता है जो जी का वैल्यू होता है पोल पर वो मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से जो हमारा गोल्ड का वेट होगा वो पोल पर ज्यादा होगा। तो ये ऑलवेज डिफर करेगा प्लेस टू प्लेस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। नाउ जैसा कि आपने वेट का फॉर्मूला देखा तो एम इंटू जी, दैट मीन्स कि अगर किसी तरह से ये जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो जो वेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल पुल ना हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी पुल ना लगे, जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये लेट से इतना दूर का जो एरिया है इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल वर्क कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पर होगे तो जो अर्थ है वो तो हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि जो उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा वो तो इसके लिए नहीं होगा, तो इसके रेंज से बाहर होने के कारण यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारण से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर का जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, तो जो इस बॉडी के ऊपर वेट फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेट कैन बी जीरो। और जैसे कि आपका मास हो सकता है 40 kg हो या फिर 45 kg हो, व्हाट एवर योर मास इज, लेकिन अगर आप इस तरह के स्पेस में चले जाते हो, जैसे कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस हम लोग इसको बोलते हैं, अगर आप इस जगह पर चले जाते हो तो आपका मास तो होगा पर आपके पास वेट नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है वेट और मास में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अगर हम लोग किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो तो चेंज हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर आप मून पर चले जाते हो तो मून पर जाने के बाद आपके वेट में क्या डिफरेंस आएगा, मैं काम करती हूँ यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से कि आपका जो मास है यहाँ पर 40 kg है, तो जो आपका मून पर मास होगा वो होगा 40/6, इतना केजी आपका जो वेट है वो होगा मून पर, जबकि आपका मास वहां पर भी 40 kg होगा और यहाँ पर भी 40 kg होगा। मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के रेडियस पर और उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स निकालते हो वो इसी तरह से निकालते हो, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पर जी, आप एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जी लिखते हो, तो ये दोनों को कंपेयर करते हो तो मास से मास कैंसिल हो जाता है। तो जब आप जी निकालोगे तो जी एम वन या फिर एम आर स्क्वायर, तो जो हमारा अर्थ का रेडियस होता है वहां पर हम लोग पुट करते हैं, लेकिन जब आप मून को लोगे तो मून का जो वेट होगा उसका जो वेट होगा वो आप उसका वैल्यू पुट करोगे एंड देन उसके रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, तो जो हमारा मून का ग्रेविटी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि मून पर कितना वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और देन उसको कंपेयर किया अर्थ से, तो जो हमारा अर्थ का वैल्यू था, सो अब जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये तो हमारा मून का है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी एम बाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पर जो हमारा अर्थ का आएगा तो उसको भी हम लोग लिखेंगे, तो जो हमारा अर्थ का भी आता है वो जी एम बाई आर स्क्वायर कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर भी अर्थ का जो रेडियस है और ये जो यहाँ पर मून का रेडियस है वो तो डिफर करेगा, क्योंकि मून हमारे अर्थ से छोटा है तो उसका रेडियस भी कम होगा और उसका मास भी कम होगा, जबकि अर्थ का मास ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों को जब कैलकुलेशन किया गया, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि वो कितना टाइम्स कम है। तो जो हमारा मून होता है जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 1/6 ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 6 गुना कम होता है मून का। नाउ अगर आपका अर्थ पे वेट 6 न्यूटन है तो वहां पर जब आप मून पर जाओगे तो आपका वेट 1 न्यूटन हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है वेट और मास में। अगर आप देख सकते हो एक जी के वैरी कर जाने से हमारा वेट इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, जबकि मास मास बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है। अब मैंने आपको जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं तो वो आपको क्या बताता है, वेट बताता है या फिर मास बताता है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे साइंटिस्ट को भी ये चीज पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई करती है, तो जो हमारा वेइंग मशीन होता है उस पे जितना भी रीड आता है, लेट से हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं अप्रॉक्स 10, तो हम लोग 10 से, तो लेट से अगर आपका जो वेइंग मशीन है वो 400 न्यूटन का वेट मेजर करता है, तो वो जो हमारा वेइंग मशीन होता है वो उसको 10 से डिवाइड कर देता है,
और 10 से डिवाइड करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है 40 kg वो हम लोग को बता देता है। तो ये जो हमारा वेइंग मशीन होता है वो ये सारी चीजें कैलकुलेशन करके हम लोग को तब आंसर बताता है। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 10 से डिवाइड क्यों गया इसके वेट पर, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो जब आपको मास निकालना होगा तो आप मास इक्वल टू WG यही लिखोगे। तो जो हमारा जी है वो तो हम लोग को पता है अप्रॉक्स, मैंने यहाँ पर 10 लिया, लेकिन जो वेइंग मशीन होता है वो 9.8 से डिवाइड करता है, और जो हमारा वेइंग मशीन होता है वो इतना से डिवाइड करता है जितना भी वेट हमारे पास आता है, तो जिसकी वजह से हमें मास मिल जाता है। नाउ आप ये भी सोच रहे होगे कि हम लोग को पता है कि मास जो होता है वो क्वांटिटी होता है, जितना भी मैटर हमारे अंदर होता है, और आप लोगों को पता है कि वेइंग मशीन उतना उसको केमिस्ट्री नहीं मालूम होती है, वो आपके अंदर कितना मैटर है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो वो सिंपली फिजिक्स के इस फॉर्मूले से आपका मास बता देता है। तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैं आपको एक बार पूरी स्लाइड दिखा देती हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि आपके एग्जाम में ये जो डिफरेंस मैंने बताया वेट और मास में वो जरूर आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। और मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से समझा रखा है सारे पॉइंट्स, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा और एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो फिर आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ये सारी हमारी फैसिलिटीज है जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।